इस जगह पर पहुंचते ही कुछ ऐसी आवाजें आएगी। क्या पता ये ट्रेन आपके साथ साथ ही चलने लगे। कहीं दूर एक पहाड़ के ऊपर से झकती इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी दिख जाए। अगर रास्ते में चाय की खुशबू भी आने लगे तो समझ जाइए आप वेस्ट बंगाल की खूबसूरत वादिया दार्जिलिंग में। 6700 फीट पर लोकेटेड दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालय की खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ है। ये खूबसूरत वादियों में खास ये है कि इतनी ऊंचाई पर भी ट्रेन चलती है, इस वजह से इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन भी माना जाता है। इससे ज़्यादा हाईएस्ट पर इंडिया की कोई जगह रेलवे स्टेशन नहीं है। सोचे कि ज़्यादा हाइट पर होने पर भी स्टीम इंजन जिसके थ्रू टॉय ट्रेन ऊपर तक आती है, तो समझ जाइए सालों पुराना स्टीम इंजन यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से कोई स्टीम इंजन 100 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। समझ ही नहीं आता है इतना बड़ा इंजन सिर्फ 2 फीट के ट्रैक पर कैसे चलती है। इतना छोटा ट्रैक के वजह से इसको टॉय ट्रेन भी कहा जाता है, और ये इतना यूनिक है कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैठने का चाहत रखते हैं। अब जैसे दार्जिलिंग में आएंगे तो ज़्यादा हिस्ट्री वाले फीलिंग आएंगे, जैसे कि ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से प्रिजर्व करी हुई। यहाँ अगर लोगों से बात करना चाहोगे तो यहाँ पे ना नेपाली ज़्यादा बोली जाती है। ऑब्वियसली दार्जिलिंग बहुत ज़्यादा पास है नेपाल से, तो यहाँ पर नेपाली और बुद्धिस्ट कल्चर मिक्स हुए हैं। बट यहाँ पर 3 और लैंग्वेज भी बोली जाती है, जैसे कि बंगाली, हिंदी, इंग्लिश। भले कि इंडिया की हर कोने का लैंग्वेज अलग अलग हो, पर दार्जिलिंग आते ही टॉय ट्रेन में बैठने का मन करने लगता है। इसमें लगा है बिस्तर डोम कोचेस जिसमें हर तरफ से व्यू दिखाई देता है। ये टॉय ट्रेन घूम स्टेशन से दार्जिलिंग की राउंड ट्रिप लगाते हैं, क्योंकि ना घूम से दार्जिलिंग करीबन 1000 फीट ऊँचाई पर है, तो इसकी स्टीपनेस को कम करने के लिए 2 स्टेशन के बीच बना है एक लूप, इसका नाम है बतासिया लूप। इसे घूमकर ट्रेन आसानी से मंजिल तक पहुंच जाती है। आप अगर सोचते हो कि टॉय ट्रेन के अलावा और कुछ पुरानी है या नहीं, तो अब गलत हो। इससे भी पुरानी है यहाँ का चाय। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर अंग्रेजों ने दार्जिलिंग पर टी प्रोड्यूस करने की शुरुआत करी थी, और यहाँ का इतना सुंदर क्लाइमेट और अल्टीट्यूड की वजह से यहाँ चाय ना बहुत ही अच्छा क्वालिटी की बनी और जल्दी ही वर्ल्ड फेमस हो गई। और यहाँ का चाय दुनिया तक पहुँचने के लिए दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन बनाई गई। आज भी यहाँ दार्जिलिंग में हर साल 70 लाख KG चाय प्रोड्यूस की जाती है, जबकि इंडिया में उगने वाली चाय के 1% है। बट दार्जिलिंग चाय अपने क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी के लिए फेमस है, जो कि मौसम के हिसाब से क्वालिटी बदलती रहती है। मौसम से कुछ याद आया दोस्तों, दार्जिलिंग में टी गार्डन तो आसानी से दिख जाएंगी। यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं वो इतना आसानी से नहीं दिखती। यहाँ से दिखने वाली इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा व्यू, इसको देखने के लिए ना बहुत ही साफ विजिबिलिटी चाहिए, और जब दिख जाता है तो स्लीपिंग बुद्धा फॉर्मेशन जैसा लगता है। तो दोस्तों यहाँ खामोशी और चहल पहल भी है, मौसम के साथ साथ सुंदर से वादियाँ, क्यों ना ट्रिप लिस्ट में दार्जिलिंग शामिल किया जाए। चलिए दोस्तों इसी तरह और एक वीडियो लेके आएंगे, मिलते हैं, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।